नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अंशी मावटी चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको थ्री पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की स्टिचिंग बताऊंगी। दोस्तों ये थ्री पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज है, लेकिन इसका लुक कुछ अलग है। मैंने इसकी कटिंग पिछले वीडियो में बताई थी आपको, और इस वीडियो में मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। तो दोस्तों इसमें नया क्या है, इसमें इसकी स्टिचिंग हम कैसे करेंगे, वो मैं आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो दोस्तों ये जानने के लिए कि मैं इस ब्लाउज की स्टिचिंग कैसे करती हूँ, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों ज्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं इस ब्लाउज की स्टिचिंग, और देखते हैं कि इसकी स्टिचिंग कैसे होती है। तो दोस्तों देखिए, मैंने इसकी कटिंग पिछले वीडियो में की थी। ये हमारा बैक पल्ला है और ये हमारा फ्रंट का है। दोस्तों मैंने आपसे बताया था कि इसमें हमारा बैक ओपन रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपने आगे के पल्ले को लेंगे, और देखिए दोस्तों इसमें हम यहां से, ये हमारा प्रिंसेस कट है, तो हम अपने प्रिंसेस कट में यहां से हम इसमें पाइपिंग देंगे। तो हमने ये पट्टी तैयार करके रखी है, अब हम इसमें पाइपिंग लगाते हैं। देखिए दोस्तों ये हमारी पट्टी है, और अब हम इसमें अपनी यहां से पाइपिंग लगा लेते हैं। दोस्तों पाइपिंग लगाने के लिए हम ये डोरी वाली पाइपिंग लगाएंगे। तो दोस्तों डोरी वाली पाइपिंग लगाने के लिए सबसे पहले हम यहां से इसको ऐसे ऐसे फोल्ड करके एक सिलाई यहां से चला लेंगे। देखिए दोस्तों हमने ये पट्टी तैयार कर ली है, अब दोस्तों हम अपनी इस पट्टी को इसमें अटैच करेंगे। तो दोस्तों यहां से हम, दोस्तों जब मैंने इसकी कटिंग की थी तो मैंने बताया था कि यहां से हमने आधा इंच का कपड़ा लिया है इसको ज्वाइंट करने के लिए। तो दोस्तों अगर आप इसी तरह से सीधी पट्टी आधे इंच पे नहीं लगा पाएंगे तो यहां से आप आधे इंच का माप ले लीजिए, क्योंकि दोस्तों हमने आधा इंच कपड़ा लिया था, तो अगर आधा इंच से कम लेंगे तो फिर हमारा कफ सही से नहीं बनेगा। तो यहां से हमें ऐसे आधे आधे इंच पे एक मार्क कर लेना है। क्योंकि दोस्तों कटिंग जिस हिसाब से होती है, अगर स्टिचिंग उसी हिसाब से हो तो हमारी ब्लाउज की फिटिंग बहुत सही आती है। और अगर हम स्टिचिंग करते समय कपड़ा इधर उधर कर देंगे, थोड़ा सा भी कम या ज्यादा हो जाएगा तो उसकी स्टिचिंग सही नहीं आएगी। तो इसके लिए हमने आधे इंच पे मार्क कर लिया है। अब दोस्तों हम यहां से इसको ऐसा अटैच करेंगे कि ये हमारा आधा इंच इसमें कवर हो जाए। तो हम यहां से इसको ऐसे लगाएंगे, और देखिए दोस्तों ये हमारी, ये हमारा निशान है, और हमने यहां से इसको ऐसे रखा है, और इसके हम ऐसे सिलाई चला लेंगे। पट्टी अटैच कर ली है। देखिए दोस्तों हमने निशान पे ही पट्टी लगाई है। अब जब हम इसको पलटेंगे तो ये हमारा कप ऐसे बनेगा। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा हल्का सा कट भी कर सकते हैं, और अगर नहीं चाहें तो इसको आप इसी में रहने दीजिए, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम इसको मोड़ेंगे तो वो कवर हो जाएगा। और दोस्तों यहां से हमारा सेंटर का निशान था, यहां से एक निशान लगा लीजिए और इसको ऐसे एक निशान बना लीजिए यहां से। अब दोस्तों हम इसमें डोरी लगाएंगे, और डोरी लगा के हम इसकी इसका पाइपिंग तैयार कर लेंगे। देखिए दोस्तों दोस्तों जैसे हम गले का पाइपिंग लगाते हैं उसी तरह से इसमें भी पाइपिंग यहां से हम दे देंगे। देखिए दोस्तों ऐसे हम पाइपिंग लगा लेंगे।
देखिए दोस्तों, हमारा पाइपिंग लग के तैयार है। ये हमारा एक्स्ट्रा पाइपिंग बच गया है, हम इसको बाद में यूज कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा तैयार हो गया है। अब दोस्तों हम इसको इस कपड़े में अटैच कर लेंगे। तो दोस्तों जब हम इसको ऐसे अटैच करेंगे तो ये बहुत सही यहाँ से कप बन के आ जाएगा। तो दोस्तों सब चलिए हम इसको पहले अटैच कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए हमने इसमें भी निशान लगाया है ये सेंटर का, इसको हम ऐसे कट कर लेंगे। और दोस्तों इसमें भी हमारा निशान लगा हुआ है, तो हम यहां से देखिए दोस्तों, अब हमें इसमें भी आधा इंच का मार्जिन रखना है। तो दोस्तों इसमें भी आप उसी तरह से आधा इंच का मार्जिन रख सकते हैं। आप यहां से आधे इंच पे एक मार्क करते जाइए। देखिए दोस्तों ऐसे आधे इंच पे मार्क करने के बाद अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहां से हमें सेंटर से सेंटर मिलाना है। और दोस्तों हमें ऐसा इसको लगाना है कि ये पाइपिंग वाला हिस्सा हमारा यहाँ आधे इंच पे ऐसे आए। इसकी सिलाई हमें यहीं से लेनी है, यहाँ से। तो देखिए दोस्तों इसी तरह से हम इसको लगा लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम इसको ऐसे लगा लेते हैं। फिर दोस्तों इसमें हमारा ये कपड़ा एक्स्ट्रा है, हम इसको कट करके निकाल देंगे। अब हम इसको यहाँ से लगा लेंगे। देखिए दोस्तों कटिंग करते समय मैंने आपको बताया था कि जब हम इसको यहाँ से जोड़ते हैं तो ये कंधा हमारा आर्म होल कभी कभी छोटा या बड़ा हो जाता है, इसीलिए हमें एक्स्ट्रा आर्म होल काटना चाहिए। और जब हमारा ये जब हम इसको ऐसे सही से ज्वाइंट कर लेंगे तो देखिए जहां से हमारा निशान है वहां पे आएगा, तो हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम इसको ज्वाइंट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये हमारा लग गया है। अब देखिए दोस्तों इसका कप कितना सही आ गया है। और जब हम इसको पूरी तरह से तैयार कर लेंगे दोनों साइड से तो ये हमारा बहुत अच्छा दिखेगा। तो दोस्तों जैसे हमने इधर का तैयार किया है उसी तरह से हम दूसरे साइड का भी तैयार कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये मैंने दोनों तरफ से जोड़ लिया है, हमारा फ्रंट का निशान ये वाला है। तो अब हम यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे ताकि ये हमारा आर्म होल सही से हो जाए। तो सबसे पहले इसको कट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब दोस्तों हम इसमें इसका इसके गले की कटिंग करेंगे। तो गला हमें कैसा बनाना है दोस्तों वो मैं आपको बता रही हूँ। यहां से है ये हमारा सेंटर है दोस्तों, यहां से एकदम से आप सेंटर मिला लीजिएगा कि आपका सेंटर कहाँ है। ये देखिए यहां पे हमारा सेंटर है। तो यहां हम चौक से निशान लगा लेते हैं। यहां देखिए दोस्तों ये हमारा सेंटर है, और इधर से भी हम एकदम अपने बीच का सेंटर ले लेंगे। दोस्तों हमें चारों तरफ से ऐसे ही मिला के बीच का सेंटर ले लेना है। यहां से यहां भी हम एक निशान लगा लेते हैं। दोस्तों आप चाहें तो ये ऐसे पूरे ब्लाउज में निशान लगा सकते हैं, ये हमारे बीच का निशान हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहां से हमें कट करना है, तो जब हमें सेंटर पता रहेगा तभी हम सेंटर से कट कर पाएंगे, नहीं तो हमारा कपड़ा एक साइड का पल्ला छोटा और एक साइड का पल्ला बड़ा हो जाएगा। इसीलिए हमें एकदम सेंटर से लेके ही इसको कट करना है। अब दोस्तों देखिए ये हमारा गला है और हम यहां से इसकी कटिंग करेंगे। तो दोस्तों गला हमें इसमें गोल नहीं बनाना है, हमें हल्का सा इसको यहां से ऐसे करेंगे। ये हमारा ऐसे आएगा। तो देखिए दोस्तों और ये गोलाई लेते हुए हम अपने पूरे ब्लाउज की कटिंग यहां से कर देंगे। तो चलिए दोस्तों हम इसकी कटिंग पहले कर लेते हैं। देखिए दोस्तों हमने गले की कटिंग कर दी है और ये हमारा पल्ला अलग हो गया है। अब दोस्तों जैसे हमने यहाँ पाइपिंग लगाया है उसी तरह से हम अपने गले पे भी पाइपिंग लगा लेंगे। दोस्तों ये पाइपिंग
हम यहां से ऐसे ये पूरा यहां तक लगाएंगे। दोस्तों यहां से यहां तक हम दोनों पल्ले में पाइपिंग लगा लेंगे। देखिए दोस्तों यहां से यहां तक हमने इसमें आधा इंच कपड़ा लिया था, जो हुक और आई की पट्टी हम लगाते हैं उसके लिए। तो दोस्तों इसमें भी आप सबसे पहले अगर आप अंदाजे से आधा इंच का कपड़ा ले सकते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो यहां से आधे इंच पे मार्क कर लीजिए, जैसे हमने ये पट्टी लगाते समय किया था उसी तरह से। देखिए दोस्तों अब हम यहां से इसकी पट्टी लगा लेंगे। देखिए दोस्तों हमने यहाँ से इसको ज्वाइंट कर लिया है। अब यहाँ दोस्तों जहाँ से हमारा ये गोल घूमा है यहाँ से हम इसको थोड़ा सा कट लगा लेंगे। कट लगाने से दोस्तों ये हमारा आसानी से ऐसे मुड़ जाएगा ऐसे, और अगर हम कट नहीं लगाएंगे तो ये हमारा आसानी से नहीं मुड़ेगा और यहाँ से सिकुड़न आ जाएगा। देखिए दोस्तों हमने पाइपिंग लगा ली है और ये देखिए कितना सही से ये लग के आ गया है। अब दोस्तों इसी तरह से हम अपना दूसरा पल्ला भी तैयार कर लेंगे। दोस्तों देखिए हमारा ये दोनों पल्ला तैयार हो गया है और देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अब दोस्तों यहाँ से हमें सबसे पहले यहाँ से हमें इसमें एक लेस लगाना है। तो दोस्तों ये लेस हम इस पर लगाएंगे अपने गले से, और इस लेस को यहाँ पे रखते हुए ऐसे इसे ऐसे करके हमें नीचे तक लगाना है। देखिए दोस्तों यहां तक हमें ये लेस लगाना है। तो चलिए सबसे पहले हम अपने दोनों पल्ले में लेस लगा लेते हैं। दोस्तों आप लेस एकदम इसके पाइपिंग के पास से ही लगाइएगा, तभी इसका लुक खूबसूरत आएगा। देखिए दोस्तों हमने जैसे इधर लेस लगाया है उसी तरह हम अपने दूसरे पल्ले पे भी लेस लगा लेंगे।
देखिए दोस्तों, हमने दोनों साइड ये लेस लगा लिया है। अब देखिए कलर कितना खूबसूरत आ रहा है। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये देखिए। देखिए दोस्तों, यहाँ से हमें 6.5 इंच का इसमें गला चाहिए, तो यहाँ से 1/2 इंच छोड़ के जितना हमें अंदर सिलाई के लिए रखना है, और हम 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हमारा 6.5 इंच आएगा, और इसी तरह से हम इसमें भी दूसरे पल्ले में भी ऐसे निशान लगा लेंगे, यहाँ से ऐसे। यहाँ तक हमारा गला चाहिए हमें, और यहाँ तक हमें पैक करना है। तो दोस्तों, जितना लंबाई ये है, आप इसकी लंबाई नाप लीजिए। यहाँ से हमारा है ये 6 इंच। देखिए दोस्तों, ये 6 इंच है, तो 6.5 इंच का हम एक्स्ट्रा कपड़ा अलग से लेंगे, जो इसमें हम ज्वाइंट करेंगे, ताकि अंदर से हमारा ये ऐसे ज्वाइंट हो जाए। देखिए दोस्तों, इसके लिए हमें यहाँ से 2 इंच चौड़ी ऐसे, और दोस्तों यहाँ से हमें 2 इंच का नापना है, तो ये हमारा 2 इंच का हो रहा है, और यहाँ से 7 इंच का, 7 इंच लंबी पट्टी निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम इसको कट कर लेंगे। और दोस्तों, इसी के साइज का हम इसके लिए अस्तर का भी पट्टी निकाल लेंगे। अब देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, इसको ऐसे हम उल्टा रखेंगे, और एक साइड से सिलाई चला के इसको अटैच कर लेंगे। देखिए दोस्तों, एक साइड से हमने सिलाई चला दी है। अब ऐसे करके हम इसको ऐसे अंदर से एक सिलाई ऐसे चला लेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम इसको ऐसे मोड़ेंगे ऐसे, और यहां से एक सिलाई लगा लेंगे, ताकि ये एक में जुट जाए। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले हम यहां से भी इसको ऐसे फोल्ड करके दोनों साइड से ऐसे सिलाई चला लेंगे, ताकि ये हमारा दोनों साइड से सिलाई अंदर की तरफ चला जाए, और हमारा कपड़ा ऐसे मुड़ जाए। देखिए दोस्तों, इसी तरह से हमें सिलाई चला लेना है। देखिए दोस्तों, ये हमने पट्टी तैयार कर ली है। अब हमें क्या करना है, अब हम इस पल्ले को यहां से ऐसे बराबर से रखते हुए अपने दोनों पल्ले को इस पे ऐसे जोड़ लेना है। तो दोस्तों, इसी तरह से चलिए हम इसको इस पे जोड़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये चीज हमारा एकदम यहाँ कॉर्नर से बराबर पे आना चाहिए, ये दोनों पल्ले का, तभी इसका लुक अच्छा आएगा। देखिए इसी तरह, तो चलिए हम इसको जोड़ लेते हैं। आप चाहें तो यहां से ऐसे निशान लगा लीजिए इसको, कि हमें यहीं से इसको जोड़ के रखना है। देखिए दोस्तों, इसी तरह से हम दूसरा पल्ला भी इस पे जोड़ लेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा बन के तैयार हो गया है। ये देखिए कितना खूबसूरत ये लग रहा है। जब इसमें हम अपना बेल्ट लगा लेंगे, तो इसका लुक और भी खूबसूरत आएगा। तो दोस्तों, अब हमें यहाँ से इसका बेल्ट लगाना है। तो बेल्ट लगाने के लिए दोस्तों, देखिए हमें इसको यहाँ से, ये हमारा कॉर्नर है, हमको यहाँ से ऐसे इस पे बेल्ट लगाना है। दोस्तों, बेल्ट लगाने के लिए हमें अपने बेल्ट पे भी यहाँ से पाइपिंग देनी है,
यहाँ से हम पाइपिंग लगाएंगे, उसके बाद हम बेल्ट इसमें ज्वाइंट करेंगे। दोस्तों बेल्ट में भी पाइपिंग हम वैसे ही लगाएंगे जैसे हम अपने आगे के पल्ले में लगाए थे। देखिए दोस्तों हमने बेल्ट में भी पाइपिंग लगा लिया है, अब हम इसको इस पे ज्वाइंट करेंगे। तो दोस्तों ज्वाइंट करने के लिए हमने आधा इंच का कपड़ा इसमें भी लिया था, तो आप यहाँ से आधा इंच मार्क कर लीजिए। यहाँ से हम आधे इंच पे बेल्ट ज्वाइंट करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ से हम ऐसा स्टिचिंग करेंगे, इसको यहाँ से ऐसा जोड़ेंगे कि ये बेल्ट ये हमारा पाइपिंग एकदम यहीं पे आए, और इसी तरह से हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम इसको यहाँ से शुरू करते हैं ज्वाइंट करना। देखिए दोस्तों जैसे हमने इधर से लगाया है उसी तरह से हम इधर भी अपना बेल्ट इसमें जोड़ लेंगे। देखिए दोस्तों हमने इसको जोड़ लिया है, ये एक्स्ट्रा धागा हम कट कर देंगे। अब दोस्तों यहां से हम एक और सिलाई चला लेंगे जिससे ये हमारा बेल्ट इस पे सफाई के साथ लग जाए। देखिए दोस्तों ये हमारा आगे का पल्ला तैयार हो गया है, अब हम इसके पीछे का पल्ला भी तैयार कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अब हम सबसे पहले इसमें अपने गले का निशान लगा लेंगे और उसकी कटिंग कर लेंगे। दोस्तों इसको बराबर से रखते हुए हमें जितना लंबा गला चाहिए अपना उतने पे निशान लगा लेंगे। देखिए दोस्तों हमने इसमें निशान लगाया है, हमें यहाँ से इसका गला चाहिए, तो हम यहाँ से इसके गले की कटिंग कर लेते हैं। देखिए दोस्तों हमने इसकी कटिंग कर ली है। और देखिए दोस्तों हमें इसका बैक ओपन रखना है, तो हम यहाँ से निशान लगा के और इसके बैक की कटिंग कर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ से हमने निशान लगा लिया है और यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए दोस्तों हमने इसकी कटिंग कर ली है यहाँ से। अब हम इसमें पहले अपना टस्क लगा लेंगे और उसके बाद इसमें हुक और आई की पट्टी लगाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले टस्क लगा लेते हैं। तो टस्क लगाने के लिए दोस्तों मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि ब्लाउज में हम बैक टस्क कितने पे और कैसे लगाते हैं, हम उसी तरह से इसमें अपना टस्क लगा लेंगे। देखिये दोस्तों हमने इसमें टस्क लगा लिया है, अब दोस्तों हम यहाँ हुक और आई की पट्टी लगा लेंगे। देखिये दोस्तों हमने इसमें हुक और आई की पट्टी लगा ली है। दोस्तों हमारे आगे के पल्ले में हमने गले पे पाइपिंग लगा लिया है, तो इसमें भी हम अपना गले का पाइपिंग लगा लेंगे। दोस्तों हम गले पे पाइपिंग उसी तरह लगाएंगे जैसे हमने आगे के पल्ले में लगाया है। देखिए दोस्तों हमने इसमें हुक और आई की पट्टी भी लगा ली है और हमने अपना पाइपिंग भी बना लिया है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ऐसे बराबर से रखते हुए इस पे एक कच्ची सिलाई चला लेंगे ताकि जब हम इसको इस फिटिंग के लिए जोड़े तो हमारा फिटिंग एकदम सही आए। तो देखिए दोस्तों यहाँ से एकदम बराबर से रखते हुए हम इस पे एक कच्चा सिलाई ऐसे चला लेंगे। देखिए दोस्तों ऐसे हो गया। अब जैसे हम अपने हर ब्लाउज में अपना शोल्डर जोड़ते हैं उसी तरह से हम इसमें भी अपना शोल्डर जोड़ लेंगे और बाजू लगा लेंगे। देखिए दोस्तों हमारा ब्लाउज बनके तैयार है और इसका लुक कितना खूबसूरत आया है। दोस्तों अगर आपको ऐसी और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये ब्लाउज की स्टिचिंग आपको कैसी लगी, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ये ब्लाउज देखने में जितना खूबसूरत है सिलने में उतना ही आसान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।